नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए एनडीए के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जदयू की तरफ से वशिष्ठ नारायण सिंह और किंग महेंद्र ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के अलावा एनडीए के नेता मौजूद रहे। बता दें कि रविशंकर प्रसाद बीजेपी से चौथी बार राज्यसभा जा रहे हैं, तो किंग महेंद्र इससे पहले साल 2006 और 2012 में भी जदयू के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी साल 2012 में राज्यसभा गए थे। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दोनों गठबंधनों के हिस्से में 3-3 सीटें आसानी से आती दिख रही हैं। राजद और जदयू के खाते में 2-2 और बीजेपी कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाएगी। खाली होने वाली सभी 6 सीटें एनडीए गठबंधन की हैं। इस हिसाब से राजद और कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होगा। कांग्रेस का बिहार से राज्यसभा में एक भी नुमाइंदा नहीं है। इस बार कांग्रेस का भी खाता खुल जाएगा। लाइव सिटीज डेस्क की रिपोर्ट।